तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JD कंप्यूटर में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम जब भी आते हैं कि न्यू जानकारी के साथ आते हैं, तो आज हम फिर हाजिर हुए एक और न्यू जानकारी के साथ, एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। उससे पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को करें प्रेस, ताकि हम इसी तरीके से जो भी नया वीडियो बनाएं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, तो जानकारी जानकारी दोस्तों आप देख चुकी हैं, यहाँ पर जो एक्सलेंस और मॉडल स्कूल का जो एग्जाम हुआ था, कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु संयुक्त चयन परीक्षा 2020-21 के लिए एडमिशन हुए थे 9वीं क्लास में उत्कृष्ट विद्यालय एवं विकास खंड स्तरीय मॉडल स्कूल में। तो दोस्तों, यहां पर इसका रिजल्ट आ चुका है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं इसका रिजल्ट किस तरीके से आपको सर्च करना है, चाहे आप मोबाइल में सर्च करें या फिर करना है आपके लिए डेस्कटॉप लैपटॉप पर। तो दोस्तों, यदि आप मोबाइल में करते हैं तो यहां पर आपको 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और यहां पर एक ऑप्शन आता है दोस्तों डेस्कटॉप साइज का, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सिंपली तरीके से इसी तरीके से ये पूरा का पूरा दिख जाएगा मोबाइल में लैपटॉप के जरिए जैसा दिख जाएगा आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, आपको सिंपली तरीके से यहाँ पर MPSOS सर्च करना है, मध्य प्रदेश स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी या स्टेट बोर्ड ऑफ ओपन स्कूल। यहाँ पर आप MPSOS को सबसे पहले जो ऊपर साइड मिलेगी उस पर जाना है, और साथ ही दोस्तों यहाँ पर जब आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ राइट साइड में मिलेगा रिजल्ट एंट्रेंस एग्जाम 2020 टॉप 10 की लिस्ट मिलेगी, एक्सेलेंस स्कूल की टॉप 10 की लिस्ट मिलेगी यहाँ पर मॉडल स्कूल की। तो चलिए दोस्तों, हम बारी बारी करके सभी चीजों को कर लेते हैं ओपन, और हम आपको बताते हैं किन कैंडिडेट का यहाँ पर नाम आया, किस तरीके से आपको ये देखना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर सिंपली तरीके से टॉप 10 एक्सेलेंस की SOE की लिस्ट आ चुकी है, जो कि यहाँ पर सबसे पहले जो कैंडिडेट हैं नंबर 1 और नंबर 2 पर, वो कैंडिडेट हैं यहाँ पर रीवा के। तो इनके लिए हो बधाई बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनके 86 नंबर आए हैं टोटल ऑफ 100 मार्क्स में से। सबसे पहले जो नाम दिया गया है मिस्टर आशुतोष शुक्ला जी का, तो यहाँ पर बधाई हो इनके लिए, मिस्टर कमलेश शुक्ला जी इनके पेरेंट्स का नाम है। दूसरा है इनका सूर्यांश सिंह, दूसरा नाम भी रीवा से ही है, तो यहाँ पर इन कैंडिडेट के लिए बधाई हो। तीसरा नाम है दोस्तों यहाँ पर छतरपुर से, जो कि गवर्नमेंट महाराजा हाई सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 छतरपुर से है। दिव्यांशी सिंह राय का नाम आया है यहाँ पर, जो कि SC कैटेगरी से 84 नंबर लेकर आए हैं। तीसरा नाम यहाँ पर जो चौथे नंबर पर नाम है वो है दोस्तों सीधी जिले से सौरभ भारती का यहाँ पर नाम आया है। पांचवें नंबर पर देखें भिंड से है यहाँ पर गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 भिंड से साक्षी परमार का नाम आया है यहाँ पर 82 नंबर के साथ। साथ ही दोस्तों नंबर 6 पर है डिस्ट्रिक्ट देवास, देवास के NBM गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल नंबर 2 देवास का पूनम शर्मा का नाम आया। साथ ही दोस्तों सातवें नंबर पर सीधी से ही गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 सीधी में ही श्रद्धा पटेल का नाम आया है यहाँ पर, इनके लिए भी वो बधाई। और सातवें नंबर पर, आठवें नंबर पर जो दोस्तों यहाँ पर है इंदौर का, और नौवें नंबर पर है ग्वालियर इंदौर में है अथर्व सूर्यवंशी जी का नाम आया है यहाँ पर, और आठवें नंबर पर, नौवें नंबर पर ग्वालियर से हैं वरुण शर्मा, और दसवें नंबर पर अनुज श्रीवास्तव जो कि हैं सतना से गवर्नमेंट विनायक वन्यकांत हाई सेकेंडरी स्कूल सतना से, तो इनके लिए भी हो बधाई। अब दोस्तों बात करते हैं टॉप 10 कैंडिडेट जो कि हैं आपके मॉडल स्कूल के, तो मॉडल स्कूल के टॉप 10 कैंडिडेट का नाम भी हम यहां पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले 86 नंबर के साथ सागर स्कूल से है छाया राजपूत, जिनका नाम मिस्टर पापा का नाम है मिस्टर अमर सिंह राजपूत, यहाँ पर 86 नंबर लेकर मॉडल स्कूल मालधौन से इनका नाम आया है। दूसरा नाम देखते हैं यहाँ पर सीधी से ही मॉडल स्कूल है सीधी में, और ये सौरभ भारती का भी यहाँ पर सीधी से आया। दूसरा नाम दोस्तों तीसरे चौथे नंबर पर भी मालधौन मॉडल स्कूल मालधौन के लिए यहाँ पर जो नाम आए हैं वो है मोनिका सिंह का जो नाम है मोनिका सिंह दांगी, और साथ ही प्रमिला सोनी यहाँ पर तीसरे चौथे नंबर पर हैं जो कि हैं सागर से। देवास की बात कर रहे हैं तो देवास मॉडल स्कूल देवास के लिए दोस्तों यहाँ पर पूनम शर्मा का नाम आया है। साथ ही दोस्तों सागर के लिए बात करें अनामिका धानक का यहाँ पर नाम आया है मॉडल स्कूल मालथौन के लिए, जीत के हैं 80 नंबर। साथ ही दोस्तों यहाँ पर सीधी
मॉडल स्कूल सीधी के लिए यहाँ पर नाम आया है 7वें नंबर पर शारदा पटेल का, और इंदौर से अथर्व सूर्यवंशी जी का नाम आया है यहाँ पर 8वें नंबर पर। ग्वालियर में है वरुण शर्मा, और 10वें नंबर पर सागर कैंडिडेट है विकास कुशवाहा का नाम आया है यहाँ पर। इन कैंडिडेट के हैं 80 नंबर जो कि है यहाँ पर टॉप 10 में 10 नंबर पर। दोस्तों अब आप बात करते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी जो लिस्ट है 382 पेज की, आपको सिंपली तरीके से जिस भी जिले की आपको सर्च करना है तो यहाँ पर कंट्रोल एप करेंगे और आप उस जिले का नाम लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम बात करते हैं सागर जिले की, तो यहाँ पर हम सागर जिला देख लेते हैं। बाकी आप जिले बाय जिले दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंडिडेट के नाम से भी आप दोस्तों यहां पर देख सकते हैं, जैसे जबलपुर है, बाकी कटनी है। इसी तरीके से दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कैंडिडेट का नाम, कैंडिडेट की पूरे जिले की यहां पर आप लिस्ट देख सकते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए यहां पर सागर जिले से सबसे पहले यहां पर देख लीजिए कैंडिडेट जो कि है कैटेगरी हैंडीकैप्ड से कैंडिडेट हैं सेजल अहरवार, यहाँ पर 41 नंबर पर सिलेक्शन हुआ है। ओबीसी कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर के लिए यहाँ पर देख लीजिए रितेश चौरसिया जी का नाम है यहाँ पर, हर्षित पटेल, सोनम लोधी, निशा प्रजापति, शान्या खान यहाँ पर, निर्भय पटेल, साहिल यादव। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर लिस्ट आई है जो कि यहाँ पर ओबीसी की थी। ओबीसी के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर एसटी की का जो लिस्ट आई है वो भी आप देख सकती हैं। एसटी के बाद दोस्तों यहां पर आपको लिस्ट मिल जाएगी, हर जिले की लिस्ट आप दोस्तों इसी तरीके से देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी की भी यहां पर देख लीजिए 71 पर लिस्ट गई हुई है जनरल की, जिसमें सभी कैंडिडेट के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप दोस्तों अपनी लिस्ट चेक कर सकते हैं मोबाइल पर ही, और दोस्तों यहाँ पर आप मॉडल स्कूल की भी यदि लिस्ट चेक करना चाहें तो इसी तरीके से आप अपने मॉडल स्कूल की भी लिस्ट चेक कर सकती हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर देख सकती हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिल जाऊंगा दोस्तों आपको इंस्टाग्राम पर @JDComputer, वहां भी मैं गवर्नमेंट जॉब संबंधित जानकारी अपडेटेड करता रहता हूँ। जय हिंद दोस्तों।